भारत के सबसे पहले गरीब रथ को जो है ना अमृतसर सहरसा को आज आखिरकार ब्रांड न्यू थर्ड इकोनॉमी LHB कोच दे ही दिया गया। राम से सरदार जी। हाँ राम से, राम से। पूरे अपनी इसी गरीब रथ का भीड़ है भाई, बिहार जाने वाले भीड़ देख रहे हो। उम्मीद करते हैं कि डंडारी कला से नई दिल्ली तक इसको 130 ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ भारत की पहली गरीब रथ अपनी फर्स्ट LHB रन के साथ इकोनॉमी कोच अपनी अमृतसर सहरसा। अरे गरीब रथ है, गरीब रथ इकोनॉमी कोच का इंटरव्यू भाई देखो, बिल्कुल जो है ना कोच जो है ना 2024 का, और पूरा जो है ना नया ही नया दिया गया है। बाकी यही है भाई, साफ सफाई भी ठीक है। क्यों जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं शौक पंजाब के अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आज हमारी जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12204 भारतीय रेलवे की पहली गरीब रथ आज से अपनी ब्रांड न्यू थर्ड इकोनॉमी LHB कोचों के साथ चलेगी, क्योंकि आज 7 अगस्त और आज से ये गाड़ी ब्रांड न्यू कोचों के साथ चले। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। सफरों अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने चलते हैं प्लेटफॉर्म की और बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम आ चुके हैं पंजाब के अपनी अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पे, और पीछे खड़ी अपनी ब्रांड न्यू LHB कोचों के साथ भारत की पहली गरीब रथ अपनी फर्स्ट LHB रन के साथ इकोनॉमी कोच अपनी अमृतसर सहरसा। लगभग डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 249 की, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी को हम तय करेंगे अपनी। 4 घंटे का हमारा सफर रहेगा इस गाड़ी में 4 होल्ड को कवर करते हुए। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर पर, मैक्सिमम पर 110 किलोमीटर पर। चले चलते हैं, देखते हैं आज की अपनी ब्रांड न्यू LHB कोचों में लोगों कौन सा यूज किया जा रहा है। बाकी ये खड़ी है दोस्तों भारत की पहली गरीब रथ अपनी अमृतसर सहरसा अपनी फर्स्ट LHB रन के साथ अपनी गाजियाबाद सेट का वेब 5 लोकोमोटिव के साथ, जो हमारी ट्रेन को आज पूल करेगी अपनी अमृतसर सहरसा गरीब रथ फर्स्ट LHB रन के साथ। A few moments later. टाइम देख लीजिए, सुबह का बिल्कुल 4 बज चुका है और फाइनली अपनी ब्रांड न्यू LHB कोचों के साथ निकल चुके अपनी फर्स्ट LHB रन के साथ भारत की पहली गरीब रथ अपनी अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 5 से। तो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 4 बजे निकल चुके अपनी भारत की पहली गरीब रथ अपनी फर्स्ट LHB ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ अपनी अमृतसर सहरसा गरीब रथ, और यहां से प्रॉक 42 यानी 42 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज आएगा ब्यास जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको फर्स्ट स्टॉपेज। 110 टच कर चुकी, मैक्सिमम जो स्पीड है डंडारी कला तक 110 है। उम्मीद करते हैं कि डंडारी कला से नई दिल्ली तक इसको। तो ऑलरेडी 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी गरीब रथ पहुंची के अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टॉप है पंजाब के ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड है BEAS। टोटल यहां 2 प्लेटफॉर्म है, 102 ट्रेनें रोजाना काउंट करती है। यहां से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट ऑटोमेटिक नॉर्थन रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में आती है, बाकी अपने का 2 मिनट काउंट है। बात करते हैं इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आए अमृतसर के तरफ से और यहां से निकल जाएंगे जलंधर की ओर, और एक लाइन यहां से तारन तरन जंक्शन की ओर निकल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बने। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपडेट का डिपार्चर। जी 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी ट्रेन हमारी पहुंच गई है सेकेंड स्टॉप है जलंधर सिटी, और यहाँ पे देखो भाई अपनी ट्रेन में चढ़ने वालों का भीड़ देखो भाई अपनी जलंधर सिटी में देख रहे हो भाई। यहाँ से अपनी गरीब रथ भाई पूरी तरह से ऊपर पैकम पैक होने वाली है।
गरीब रथ है, गरीब रथ। ऑनलाइन के 78 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी टाइम पहुंच चुके अपनी जर्नी का सेकंड हिस्सा, यानी पंजाब के जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JUC। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 108 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 25 ट्रेन अर्जेंट में पंजाब के नॉर्थ लाइन के फिरोजपुर कैंट डिवीजन में आती है। बाकी फ्लेटें का भाई 5 मिनट का हॉल्ट है। बात करते हैं इसको जक्शा पॉइंट के बनाए, क्योंकि हम लोग आए अमृतसर के लाइन से और यहाँ से निकले पगवाड़ा होते हुए अम्बाला की, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है लोहिया खास की तरफ। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फाइनली 5 मिनट होल्ड के बाद बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका जलंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई यहाँ पे बारिश जो है ना वो शुरू हो गई। जम्मू तवी गरीब रथ एक्सप्रेस। फिलहाल इस वक्त ट्रेन अपनी जलंधर कैंट यानी जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन पे ऑन शेड्यूल हॉल्ट पे रुक गई है। यहाँ पे तो ऑफिशियल स्टॉपेज था नहीं, बट सिग्नल लगने के कारण अपनी ट्रेन भाई यहाँ पे भी जो है ना वो रुक गई है। देखो कब तक यहाँ से निकलते हैं। सो चलिए दोस्तों अपनी अमृतसर सहरसा अपनी गरीब रथ ब्रांड न्यू फर्स्ट एलएसबी रन में देखते हैं कैसा है। वैसे वास्तव में जाने से पहले सामने छोटा सा मिरर है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बेसिंग है, नीचे डस्टबिन देवा है और पानी लाने के लिए यहाँ पैर से दाबा जाता है तो पानी आता है। बाकी यहाँ डस्टबिन देवा नीचे फायर। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। सामने छोटा सा मिरर है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। छोटा सा ट्यूबलाइट दिया है, यहाँ हैंगर देवा है कपड़े टंगने के लिए। बाकी यहाँ पे देखो भाई बेसिंग देवा है, नीचे डस्टबिन और पानी लाने के लिए आपको पता ही है यहाँ से पैर से दबाइएगा जो है ना वो पानी आ जाएगा। बाकी देखो भाई बिल्कुल ब्रांड है प्लास्टिक अभी तक। नीचे देखो भाई कारपेट जो है ना वो लगाई गई है। बाकी गेट को देखो भाई, देख रहे हो लगी ना साफ सफाई की बात को भाई, साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो चलिए दोस्तों अपने अमृतसर सहरसा अपनी फर्स्ट एलएचबी रन अपने गरीब रथ एक्सप्रेस ब्रांड न्यू कोचेज को जो है ना देखते हैं कोच का कैसा है इंटरनेट। वैसे जैसे वंदे भारत और शताब्दी में होते हैं वैसे इसमें भी स्लाइडिंग डोर होती है, जैसे इसको ऐसे खींचेगा ना तो ये खुल जाएगा। बाकी ये रहा अपनी अमृतसर सहरसा अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का भाई अपनी न्यू ब्रांड न्यू एलएचबी थर्ड इकोनॉमिक कोच का इंटरनेट। भाई देखो बिल्कुल जो है ना कोच जो है ना 2024 का है और पूरा जो है ना नया ही नया दिया गया है। बाकी यही है भाई साफ सफाई भी ठीक है क्योंकि गाड़ी अभी जस्ट जो है ना अभी दो ही स्टॉपेज कवर किया है। बाकी यही है अपनी अमृतसर सहरसा अपनी गरीब रथ ब्रांड न्यू एलएचबी कोचेज अपनी थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच। बाकी जैसे एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पर आपको CCTV कैमरा मिल जाएगा, एक LED स्क्रीन, बाकी एक उस गेट पर मिल जाएगा। बाकी फैसिलिटीज़ देख लीजिए, यही होती है अपर बर्थ पर जो है ना इकोनॉमी में आपको सर टकरा जाता है, सही से बैठ नहीं सकते और पानी पीने से दोनों। बाकी एक सीट पे केवल एक ही आदमी जो है ना वो सो जाता है। बाकी फैसिलिटी इस साइड भी आपको कर्टन वगैरह जो है ना वो अवेलेबल मिल जाता है। बाकी सामने छोटा सा मिरर है, उसके बाद दो चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया है, बाकी स्टडी लैंप दिया है ऊपर सभी बर्थ पे। बाकी यहाँ पे बोतल होल्डर और खाने पीने के लिए बाकी कर्टन दिया गया है भाई। बाकी इस साइड भी देखिएगा तो इस साइड भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट और स्टडी लैंप दिया है ऊपर बर्थ पे, वाटर बॉटल होल्डर है। बाकी यही होती है भाई थर्ड एसी इकोनॉमी कोच की अपनी इंटीरियर। और दोस्तों थर्ड एसी इकोनॉमी में यही दिक्कत होती है कि मतलब पैसे जो है ना नॉर्मल थर्ड एसी से काफ़ी कम दिए जाते हैं और अपर बर्थ पे आप सही से बैठ नहीं सकते हो, आपका सर जो है ना टकरा जाता है, पानी नहीं पी सकते हो और एक सीट पे केवल इकोनॉमी में एक ही आदमी जो है ना सो सकता है। यही होती है अपनी थर्ड एसी इकोनॉमी की फैसिलिटी। इस थर्ड एसी इकोनॉमी में सीट जो है ना नॉर्मल थर्ड एसी से ज़्यादा दिया जाता है। और यही होता है कि गरीब जब ICF कोचे ग्रीन लिवरी में थी तो साइड वाले में जो है ना तीन सीटें दिया करती थी, तो भाई मिडिल और अपर लोअर थोड़ा कंस्ट्रक्शन लगता था। इकोनॉमी कोच में जो है ना अभी केवल अपर बर्थ और लोअर बर्थ जो है ना वो दिए जाते हैं। फिलहाल हमारी इंडियन लोए धीरे धीरे सभी गरीब रथों को ग्रीन लिवरी ICF कोचे को हटाकर थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोच में कन्वर्ट करी है। वैसे ही आज फाइनली 19 साल बाद आखिरकार अपनी भारत के सबसे पहले गरीब रथ को जो है ना अमृतसर सहरसा को आज आखिरकार ब्रांड न्यू थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोच दे ही दिया गया।
तो ऑलराइट गाइस 99 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम आई टाइम पहुंच गए अपनी जर्नी का थर्ड सुबह, यानी पंजाब के पगवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PGW। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म, 94 ट्रेन रोजाना अकाउंट करती है। यहाँ से एक ट्रेन अर्जेंट है मेरे पंजाब के नॉर्थ में के फिरोजपुर कैंट डिवीजन में आती है, बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट कॉट है। चलिए यहाँ चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का। राम से सरदार जी, हाँ राम से, राम से। ये खड़ी है अपनी आगरा होशियारपुर एक्सप्रेस और हमारी मुलाकात हो रही है अपनी लुधियाना जंक्शन पर। ट्रेन हमारी स्लोली स्किप से स्किप कर रही है अपनी पंजाब के लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉप स्थान है, बट सिग्नल होने के अपनी ट्रेन स्लो स्पीड से जो है ना वो स्किप कर रही है लुधियाना जंक्शन।
बाकी अपनी गरीब रथ में धनदारी कला में भी देख लो भाई, चढ़ने वालों को भीड़ देख रहे हो, मतलब पहले ही वाला हार कर रहा है, लोग सोच रहा है कि पहले चेयर करता घुस जाए, अब भी वही हाल है, मतलब पहले ही वाला हाल फिर भी। तो ऑलरेडी 142 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम आ चुके हैं अपनी जर्नी का फोर्थ एंड लास्ट स्टेशन, यानी पंजाब के अपनी धनदारी कलां रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DDL। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 28 ट्रेन रोजाना का उठ के, तो यहाँ से नाई को ट्रेन अर्जेंट है पंजाब के नॉर्थला के फिरोजपुर डिवीजन में आती है, बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का डिले, लेकिन अपनी ट्रेन भाई 10 मिनट डिले के साथ आई है। बाकी यहाँ पे हमारे अच्छे भैया जो है ना वो डिवोट कर रहे हैं, तो आइए उनसे मिलाते हैं। यहाँ पे अपने अच्छे भैया जो है ना डिवोट कर रहे हैं। और भैया जर्नी एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था भाई, ये था भी यार भी मैं तो ज्यादा मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो थोड़ा सा इशू है वो सॉल्व होना चाहिए। बाकी बारिश शुरू हो गया यहाँ पे, बाकी चलिए भाई से 10 मिनट होल्ड के बाद निकल चुके अपनी धनदारी कला रेलवे। बाय बाय अच्छे भैया, बाकी हमारे अच्छे भैया यहीं डिवोट कर दिए भाई। चलिए फाइनली 10 मिनट डिले के साथ निकल चुके अपने फोर्थ एंड लास्ट स्टेशन पंजाब के धनदारी कलां रेलवे स्टेशन से, और यहां से अप्रॉक्स 105 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद हमारा आएगा फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट, यानी हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ सीधे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों इस ट्रेन की टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात कर लेते, तो हफ्ते में केवल 3 दिन चलती है, संडे थर्सडे और सैटरडे को चलती है अपनी पंजाब के अमृतसर से सुबह के 4 बजे, और ठीक 1711 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी तय करती है 31 घंटा 20 मिनट। 31.5 घंटे के सफर के दौरान ये गाड़ी अपनी 22 स्टॉप पे रुकते हुए, इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया जाता है 56 किलोमीटर पर मैक्सिमम पर 110 किलोमीटर पर, और ठीक अगले दिन सुबह के 11:20 पे पहुंच जाती है अपनी बिहार के सहरसा जंक्शन। हमारे बिहार के लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने 2006 में गरीबों के लिए आम जनता के लिए कम पैसों में थर्ड एसी के सफर के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई उन्होंने, और इसी ट्रेन को भारत की पहली गरीब रथ कहते हैं, जो कि इस ट्रेन को चलाया गया था अपनी 4 अक्टूबर 2006 को, और भारत की पहली यही अपनी गरीब रथ है अपनी सहरसा अमृतसर। बाकी इस ट्रेन की कोच कम्बेंसी की मैं बात करूँ तो जब ग्रीन ने भी आई सब कोचेज में था तो टोटल इसमें 12 कोचेज होते थे, जिसमें से 8 आपको थर्ड एसी का कोच था और 4 आपको सेकेंड सीटिंग यानी एसी चेयर कार का कोच था बैठने वाला। बाकी अभी होने के बाद थर्ड एसी इकोनॉमी एलएचबी कोच होने के बाद इस गाड़ी में टोटल 22 जो है ना वो कोचेज दे दिए गए, 2 जनरेटर कार और 20 अपनी नॉर्मल पैसेंजरों के लिए जो है ना वो दे दिए गए। किसी भी गरीब रथ में भाई पेंटिंग नहीं होता है, साइड पेंटिंग अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी गरीब रथ कैटेगरी टाइप का ट्रेन है, लेकिन इसका रेड जोन ऑपरेट होता है नॉर्थर्न रेलवे द्वारा। तो फाइनली रीच दैट फाइनल डेस्टिनेशन था हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन 5 मिनट बिफोर। भाई भीड़ देख रहे हैं पूरे के पूरे ही अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस में, भाई पूरे के पूरे यहाँ पे देख लो भाई चढ़ने वालों की भीड़, मतलब पहले ही वाला हाल है, मतलब लोग जो चेयर कार में ट्रेवल करते थे वैसे ही अपनी ये भी देख लो भाई भीड़ अपनी पूरे पूरे अपनी इसी गरीब रथ का भीड़ है भाई, बिहार जाने वाले भीड़ देख रहे हो। तो भैया समय हो रखा है सुबह के 7:55 यानी 8 बजने वाले हैं, और फाइनली हम पहुंच गए अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने के टाइम था सुबह के 8 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन भाई पहुँची है 5 मिनट बिफोर। वैसे जर्नी एक्सप्रेस की बात करें तो जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, बस आपको अपडेट देना था छोटी सी जर्नी करके कि बदल गई अपनी नए अवतार में भारत की पहली अपनी गरीब रथ अमृतसर सहरसा थर्ड एसी इकोनॉमी एलएचबी कोच में। वैसे जर्नी एक्सप्रेस की बात करूँ भाई जर्नी एक्सप्रेस, चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द इस टफर फ्रोल के मेरे अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।